अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी हशतुम की क्लास टीचर मिस फातमा। आज का लेक्चर नंबर है 3। हम पढ़ेंगे हम्द के बारे में। हम्द यानी अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना। ये बात तो आप पहले पढ़ चुके हैं। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, फूल, फल, तमाम चीजें अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती हैं, यानी अल्लाह ताला का जिक्र करती हैं। जैसे आसमान पर सूरज, चांद, सितारे मौजूद होते हैं और वो अल्लाह ताला रोशनी देते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। आज हमने पढ़ना है हम्द के अशार की तशरी, यानी हो बयाबाने मीर गुजर मेरा। इस शेर में शायर कहता है, चाहे मेरा जंगलों में से गुजर हो, चाहे ऐसे रास्ते से गुजर हो जहां पर कोई खौफनाक चीज आ जाए तो मुझे खौफ महसूस नहीं होता। हो बयाबान मीर गुजर मेरा, यानी जंगल के खौफनाक रास्ते से गुजर हो, मुझे इस बयाबान से कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ मौजूद होता है। या समंदर पे हो सफर मेरा, यानी समंदर की लहराती लहरों पर सफर कर रहा हूँ, या मैं अपने घर से बहुत ज्यादा दूर हूँ, हर हाल में मेरा जिगर मजबूत रहता है, यानी मेरा दिल मजबूत रहता है। मैं समंदर के ऊपर सफर करते हुए भी खौफ महसूस नहीं करता हूँ, जब मैं अपने अल्लाह ताला के नजदीक मौजूद होता हूँ तो मुझे खौफ और डर महसूस नहीं होता है। अगर मैं अपने घर से दूर चला जाऊं तो भी मुझे खौफ महसूस नहीं होता है। दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, यानी मेरा घर मेरे से दूर रह जाए और मेरा दिल मजबूत होता है। मुझे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है और ना ही मुझे किसी भी किस्म की मुसीबत का खौफ होता है, क्योंकि हर मुश्किल हालात में मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी अल्लाह ताला की जात हमेशा मेरे साथ मौजूद होती है। इसलिए मेरे कल्ब को यानी दिल को भी इत्मीनान होता है, एक सुकून हासिल होता है और मेरा दिल और ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, यानी अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। मुझे किसी भी किस्म का खौफ महसूस हो रहा हो, या मैं किसी ऐसे रास्ते से या जंगल से गुजर रहा हूँ जहाँ पर कोई मौजूद ना हो, तो भी मुझे कोई किसी भी किस्म का डर महसूस नहीं होता है। उस वक्त भी मुझे सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र याद होता है। मैं अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा होता हूँ ताकि अल्लाह ताला मेरे साथ मौजूद रहे। चाहे समंदर हो, चाहे लहराती लहरें हों, उस पर भी मुझे किसी भी किस्म का खौफ महसूस नहीं होता है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपने अच्छे से रिवाइज करना है और उसका क्विज सॉल्व करना है। उसका आपने क्विज ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। आपने हम्द की रीडिंग करके रखनी है। कल हम इसके सवालों के जवाब डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।